बिग बॉस जिसमें आपके और पैसों की कमी होने का होस्ट को ही बदल दिया और अपनी इज्जत की फिक्र ना है उनको, इसलिए उन्होंने छपरी भी बदल ली है। पैसा बर्बाद। तो बिग बॉस तुम्हारी हरकतों पे मैंने कुछ लिखा है कि तुम्हारे शो में छपरी यूं ही आते रहे, कि तुम्हारे शो में छपरी यूं ही आते रहे और जो टीआरपी आ रही है वो भी जाती रहे जाती रहे जाती रहे। ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो गाइस बिग बॉस के घर के अंदर रिसेंटली हो गया एक और नया कांड और उस कांड का नाम है भाभी बहुत सुंदर है। क्या बोला तूने? मतलब एक बंदे को सुंदर बोलने पे इतना बड़ा कांड कराना इन लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं। तो उस कांड को पूरा एक्सपोज करते हैं और अपने विशाल भाई को फुल सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें विशाल भाई को बहुत ज्यादा गलत दिखाया गया लेकिन वो गलत है नहीं, तो फुल सपोर्ट अपने विशाल भाई को। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात जो बोली थी, से बाहर निकल गई पायल को सबसे बहुत गलत थी। विशाल आपको याद नहीं आ रहा? अरे यार क्या कॉन्टेक्स्ट में बात की गई? सुन मेरे, मैंने भी शायद इसको जब इसलिए तो होगा था, मगर तू क्या कर रहा, पागल वागल है। मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो भी नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला तो फिर कान में बोलने की क्या जरूरत? कोई भी चोर अपने आप को चोर थोड़ी बोलेगा, यहाँ से पता लगता है इंसान की सोच कितनी छोटी है पायल। सो गाइस चोर पने की बात भी कौन कर रहा है जो खुद एक नंबर का चोर है, जिसकी खुद की दो दो बीवी है, जो पूरे अपने हिंदुस्तान के धर्म को तोड़ के बैठा है क्योंकि एक कोर्ट ने रूल बना रखा है कि एक आप एक शादी से ज्यादा दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो बंदा दूसरी शादी करके बैठा और वो बोल रहा है कि हमारे विशाल भाई चोर की दाढ़ी में तिनका या चोर एक्सेप्ट क्यों करेंगे। भाई उसने सच्ची में गलत इंटेंशन से नहीं बोला था तो उसके पीछे ही पड़ गए और वो बंदा रोने तक आ गया। बिग बॉस वालों ने टीआरपी के लिए कुछ भी कर दिया भाई, मतलब बिग बॉस तुम्हारी टीआरपी लेने के लिए जो कला है ना वो अलग लेवल की है। ये कला मुझे भी सिखाओ, मेरे को भी व्यूज चाहिए यूट्यूब वीडियो पे, तो तुम मेरे को भी सिखा दो ये कला कि मैं कैसे व्यूज लूं। वैसे मेरे को व्यूज मिल जाएंगे तुम्हारे ऊपर वीडियो बना बना के, बिग बॉस पे किसको व्यूज ना मिलते, सबको मिल जाते, मेरे को भी मिल जाएंगे। तुम लोगों ने यह तो देख लिया कि पायल ने क्या अंजाम लगाया, लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चाई में सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो मैंने बोला था मैंने कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस तुरंत ही बोला था कि मेरे को भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था, भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। कान में बता सकता हूँ, तू अपने बीच करना है सुंदर लगती बस। देखा आ गई सच्चाई बात, और ये बकायदा एपिसोड में आया था कि विशाल भाई ने ये बोला था कि भाभी बहुत सुंदर लगती है मुझे, बस इना गुड वे किसी ने नहीं सुना, बस उन्होंने सबने ये सुन लिया भाभी बहुत अच्छी लगती है सुंदर लगती है जो भी लगती है लेकिन लगती है, इसमें क्या हो गया भाई। और बोला भी उसी बंदे को जिसकी हरकतें कुछ ऐसी है, जो बंदा खुद एक शादी होने के बाद दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है तो उसके लिए कोई गलत बात नहीं है, और उस बच्चे ने या बंदे ने सिर्फ इतना गुड वे में बोला था कि भाभी अच्छी लगती है, उसके पीछे तुम पीछे पड़ गए। वो 18-19 साल का लड़का है, उसका करियर क्यों खत्म करना चाह रहे हो बिग बॉस वालों तुम? और अनिल कपूर सर जी आप तो थोड़ा शर्म कर लो या फिर समझा दो बिग बॉस वालों को कि ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, उसका कैरेक्टर डिफाइन करेगा इन चीजों, लेकिन उनसे अपने को क्या, अपन को रोस्टिंग करनी, आगे चलते हैं। तो पायल जी आप जिन दीदी को सपोर्ट करने आओ ना उनकी हरकतें आप देख लो, ये देखो देखा क्या बोल रही दीदी आपकी कि मैं दूसरे का पति यूज कर लेते तो तावल यूज करने में क्या दिक्कत है। आप जिसको डिफेंड कर रहे हो उसका कैरेक्टर देखो पहले तुम लोग, आप हमारे विशाल भाई पे जो अल्जाम लगा रहे हो ना बिना फालतू को, उसका कोई सेंस नहीं बनता। उन्होंने सिर्फ एक गुडवे में बोल दिया, उसको तुमने तमाशा बना दिया, कोई बात नहीं ये कोई गुडवे में था, इसको सबने मजाक में लिया लेकिन उसको मजाक में ना ले सकते, क्यों नहीं ले सकते वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो कोई भी हो अपने को कह लेकिन इनकी हरकतें सही नहीं, देखा तुमने साफ साफ बोल दिया। और उसके जो अरमान मलिक है उसकी भी हरकतें सही नहीं, वो खुद तीसरी चौथी शादी करने की प्लानिंग में चल रहा है, अभी आगे बता देता हूँ तुम लोगों को। भाई ये क्या चल रहा है, अब मुझे बताओ ये गलत नहीं है? बाकी सब सही था, ये गलत नहीं है, बाकी तो दुनिया में सब सही है, ये भी सही है, क्योंकि भाई जो अरमान मलिक करे वो सब सही है, जो दूसरा कर ले वो सब गलत है उसके लिए। और मेरे ने अभी जस्ट ये सुनने में आया कि अरमान मलिक ने विशाल भाई को चाटा मार दिया। इस बात पे बिग बॉस वाले तुम जो भी करो उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन ये जो हाथा भाई वाला आ गया ना बिग बॉस में, क्योंकि पिछले सीजन में अभिषेक ने चाटा मार दिया, इस बार ये अरमान मलिक चाटे मार रहे हैं, तो यार ये बिग बॉस में मारा मारी कम करो, ये तो सीरियस मैटर हो जाएगा। लोग वायलेंस अलाउ नहीं है बिग बॉस में, ये लोग भूल कैसे जाते हैं, या तो मुझे समझना आता ये हो कैसे जाता, लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है, उनको डर नहीं है बाहर निकलने का, मुझे लगता है इस पर भी पेनल्टी लगा देनी चाहिए। लेकिन इनकी मारा मारी देखने में मजा भी आता है क्योंकि अपन जैसे वेले लोग वही हैं जो इनको देखते हैं, लेकिन इस बार मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। 29 रुपए मैं दूंगा कि इन गरीबों के लिए, मैं ना दे रहा 29 रुपए, जो दे रहा वो पैसे और बात कर रहा, मैं तो कहता हूँ अगले दिन फ्री में एपिसोड देख लिया करो, लेकिन इन गरीबों के लिए पैसे मत देना। जो बंदा दूसरों को चोर बोल रहा था मैं उसकी चोरगिरी दिखाता हूँ तुम लोगों को। कहाँ लगी थी
तुझे पता है ना मेरी बीवियों को ध्यान मेरे ऊपर रहता है सारा, मुश्किलों तो फोन करता हूँ तू उठाती नहीं, घर में वो नाराज रहती है बाहर तू रहती है, दिमाग खराब। ऐसी बात ही करते हो, देख रहे हो तुम लोग। अगर बीबी की बात करनी है तो हम हमसे मिल लेना आओ करो, अगर बीबी को अपनी साइड में रख के आओ करो। साइड में नहीं रख सकते, उन्हीं के नाम है। उन्हीं के नाम है हाँ, उसे लेके तो तुम्हारे नाम कराऊंगा। बोल लो कुछ, बोलो अब इन भाई साहब के ऊपर बोलो ना। बहुत लोग मतलब चढ़े हुए थे, लेकिन लोग नहीं चढ़े हुए, लोग नहीं चढ़े हुए, ये अरमान मलिक खुद ही चढ़ा हुआ है, जो खुद एक दिमाग से मेंटल है। मुझे लगता है इसका इलाज इलाज करो, क्योंकि भाई जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसी आपकी हरकत है ना वैसे आपको जरूरत भी है, क्योंकि जो आपने हरकत करी है चाटा मार के वो बहुत गलत करा। बिग बॉस को अपने हिसाब से करने देते और कर भी रहते, अब कोई मतलब नहीं। एक वाइफ बाहर हो गई, दूसरा हस्बैंड भी बाहर होने जा रहा है, और वो एक बचेगी वो भी अपने आप बाहर हो जाएगी, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिग बॉस का शो है। हर हफ्ते आते जाते रहते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, कोई जोकर बन के जाता है, कोई कार्टून बन के जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन के जाता है। लेकिन इस बार ये शो सेलिब्रिटियों का रहा नहीं, इस बार इसमें जोकर छपरी कार्टून सब भर दिए, सब भर दिए, सब ए टू जेड सब, और सबकी हरकतें वैसी है, कोई हंगे ब्लश ना कर रहा। मेरे को तो अभी तक हंसी आती है यार, ये बिग बॉस ने सच्ची में बोला था कि नहीं बोला था कि बड़ा पाव वाली लड़की ये आपका थैला नहीं है, जो आप पे हंके प्लस भी ना करें, ये मेरा घर है, यहाँ पे आपको हंके प्लस करना पड़ेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैं कल चला रहा इंस्टाग्राम, मैं उस पर रील देख रहा, और उस पर एक ऐसी रील मिली जो अरमान मलिक से मोटिवेट हो गया और उसने वैसी हरकतें कर दी, और वो बच्चे की, और वो हरकत करने वाला और कोई नहीं, वो बच्चा है 5-6 साल 8 लास्ट हद मार के 10 साल का होगा। ये देखो देखा, दो दो इसके। हाँ भाई हम डोरेमोन देख लेते हैं, सच्ची में अब अपन डोरेमोन देखने चलते हैं, क्योंकि बच्चे अब शादियां करने जा रहे हैं, वो भी एक से नहीं दो दो से शादियां करने जा रहे हैं। ये अपन को शर्म खा के या जेर खा के मरने वाली उम्र आ चुकी है मेरी तो, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जैसी हरकतें पूरे इंडिया में जैसी हरकतें, अब ये भी बिग बॉस में चल जाएगा 10 साल बाद, जब ये बालिग होगा 18 साल का, बिग बॉस वाले इसको बुला लेंगे पर मुझे ना बुलाएंगे, मेरी अच्छी हरकतें नहीं दिखाएंगे, इनकी गंदी गंदी हरकतें दिखाएंगे। तो बिग बॉस वालों, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और वापस बोलता हूं, अगर तुम लोग फ्री हो, तुम फ्री हो, मैं तो फ्री रहता हूं, अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करो, मैं आ सकता हूं बिग बॉस में, ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। लेकिन हां ये मैं नहीं गारंटी दे सकता यार, किसी को अच्छा बुरा तो मैं बोल ही सकता हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन भाभी अच्छी लगती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिग बॉस नहीं है, और जो ये इसको गलत वे में ले रहे उनको भी मैं बोल दूं कोई गलत नहीं बोला भाई, किसी को कोई भी अच्छा लग सकता है। अरमान मलिक को देख लो, नहीं तो तुम उल्टा करो, पूरा सीन उल्टा कर ले काम। कृतिका मलिक जिसके जिसने जिसको पसंद करा अरमान मलिक को, वो ऑलरेडी मैरिड था, उसको भी तो कोई अच्छा लगा ना इसमें, और उसको तो उल्टे वे में लगा, विशाल भाई ने तो फिर भी अच्छे वे में बोला कि इना गुड वे अच्छी लगती है, काम वाम कर देती है, क्यूट है वगैरह वगैरह, पर इसको तो उल्टे वे में अच्छा लग गया, इसने तो शादी कर ली। अब इनके ऊपर कुछ बोलो तो यहाँ पे लफड़े हो जाएंगे, विवाद हो जाएगा, तो अपन कर भी क्या सकते हैं, बहुत तेज हो रहे हैं। सो गाइस बिग बॉस के लफड़े और बिग बॉस के ऊपर वीडियोस दोनों बहुत फेमस है, तो बिग बॉस के लफड़े तो अब के और फेमस हो ही रहे हैं, अभी शुरू ही हुए जस्ट, और बिग बॉस के ऊपर वीडियो जैसे मेरी, इसको भी तुम फेमस करना शुरू कर दो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।